अस्थायी नगर निगम की विशेष सामान्य सभा की बैठक में कांग्रेस पार्षद के द्वारा बीपीएल कार्ड धारकों को फर्जी कहने का एक मामला बढ़ता गया और इस मामले पर भिलाई नगर निगम के भाजपा पार्षदों ने प्रेस वार्ता की। बीपीएल कार्ड धारकों को फर्जी कहे जाने पर महापौर से माफी मांगने की मांग रखी गई। धारा 163 धारा 135 136 137 यह बोलती है कि नगर पालिका निगम के सामान्य सभा की पटल पर सामान्य सभा से स्वीकृति करके भेजना है कि नगर निगम की आर्थिक स्थिति क्या है, उस आर्थिक स्थिति के आधार पर आपको छूट देके भेजना है। हमने कल सदन में महापौर जी से कहा, महापौर जी धारा 163 पढ़िए तो सही, आप उसमें साफ साफ लिखा है कि आपकी नगर निगम की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए आप भेजिए, अगर आप हाँ बोलेंगे तो मुख्यमंत्री जी के लागू होगा, अगर ना बोलेंगे कि हमारी स्थिति उस लायक नहीं है तो ना होगी। उन्होंने रखा था सामान्य सभा जिसमें उद्योगपतियों को 50% तक का छूट के लिए, तो हमने उसमें विरोध ये दर्ज किया कि भाई आप करना है तो उनको करिए, लेकिन गरीबी की रेखा अंतर्गत आने वाले बीपीएल कार्डधारी उन लोगों का भी आप करिए। तो उन लोगों का ये कहना था कि बीपीएल कार्डधारी जो हैं वो फर्जी है, तो निश्चित तौर पर सरकार इनकी है जो बने हैं, तो फर्जी अगर ऐसे फर्जी लोग को बना रहे हैं या बोल रहे हैं, तो एक आम गरीब आदमी जो रिक्शा वाला ठेला वाला पान ठेला वाला जो रोजमर्रा की जिंदगी जीता है, मजदूर आदमी रोज कमाने खाने वाला है, हा? उनको ये फर्जी करार दे रहे हैं।